अगर आप आज 12th के स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट से पूछें कि वो आगे क्या करना चाहते हैं, तो ज्यादातर जवाब होगा हमें कहीं विदेश में सेटल होना है। साल 2024 में ये अनुमान है कि लगभग 18 लाख इंडियन स्टूडेंट्स विदेश जाएंगे। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, लेकिन एक मेजर रीजन ये है कि इंडिया में लिमिटेड सीट्स होने की वजह से टॉप कॉलेजेस में एडमिशन बहुत मुश्किल हो गया है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स IIT जैसे बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 10,000 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलता है। यानी कि IITs में हर 50 स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट होता है। जो सिलेक्ट नहीं होते उनके पास स्टेट कॉलेजेस के ऑप्शन रहते हैं, जो बुरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को विदेश जाने का ऑप्शन ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोजर और स्कॉलरशिप जैसे फायदे दिखाई देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई जादू की छड़ी है जिससे विदेश जाने पर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए। रियलिटी थोड़ी अलग है। हाँ, विदेश में अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं, लेकिन कई स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि मास्टर्स करने के बाद भी स्टूडेंट्स को अच्छी जॉब नहीं मिलती। ऐसे में काफी सारे स्टूडेंट्स को इंडिया वापस आना पड़ता है या फिर विदेश में कोई लो पेइंग जॉब करनी पड़ती है। मगर ऐसा क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटीज में नहीं है, स्किल्स और प्रिपरेशन में है, और स्टूडेंट्स ये अक्सर भूल जाते हैं। इसका सलूशन, अब्रॉड जाने से पहले अपने आप को तैयार करो। कैसे? इंडस्ट्री रेडी बनके, मतलब सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, रियल वर्ल्ड स्किल्स सीखो, इंटर्नशिप करो और सबसे जरूरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, अपना पोर्टफोलियो, इन सब पे भी ध्यान दो। ये सब करने से आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके पास प्रूफ ऑफ वर्क होगा, जिससे आपके लिए विदेश में करियर बनाना आसान हो जाएगा। और अगर आप ऐसा लॉन्च पैड ढूंढ रहे हो जो आपको इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर के लिए तैयार कर सके, तो जवाब है कोड क्वोशेंट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, एक न्यू एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्कूल। 12th या ग्रेजुएशन के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करियर बनाने के बारे में जानने के लिए हमें आज ही कॉन्टेक्ट करें। हम आपको गाइड करने के लिए हमेशा तैयार हैं।